हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में आज हम बात करेंगे इसराइल की। दरअसल इसराइल इस वक्त हमास के साथ युद्ध में है, ये बात हम सब जानते हैं, और महीनों से ये युद्ध लगातार चल रहा है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ और कुछ ऐसा ऐलान इसराइल की ओर से किया गया जिसके बाद इसराइल की चर्चा एक बार फिर से होने लगी। इसराइल ने एक अलर्ट जारी किया है अपने तमाम दूतावासों के लिए जो अलग अलग देशों में स्थित हैं, जिसके बाद से अब दुनिया में खलबली इस बात की मची है कि आखिर इसके पीछे की जो वजह है वो क्या है, क्यों आखिर इसराइल ने ये एडवाइजरी और अलर्ट जारी किया है अपने तमाम दूतावासों के लिए। दरअसल हाल ही में सीरिया में एक हमला हुआ था और ये हमला सीरिया और ईरान मिलकर ये कह रहे हैं कि ये इसराइल ने किया। इस हमले में ईरान की जो सेना थी IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उसके एक सदस्य की मौत हो गई है। और क्योंकि ईरान और सीरिया बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो हमला है ये इसराइल की तरफ से किया गया है, तो आने वाला वक्त इसराइल के लिए और ज़्यादा चुनौतियों भरा इसी वजह से हो सकता है, क्योंकि इसराइल अब ये मान रहा है कि इस हमले की वजह से, जो कि कहा जा रहा है, क्योंकि इसका खंडन खुद इसराइल ने किया है कि ये हमला उसकी ओर से नहीं किया गया, लेकिन ईरान ये मानता है कि ये हमला उसी ने किया, तो आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है ईरान की सेना के जो सदस्य मारे गए हैं उसका बदला ईरान इसराइल से ले, तो आने वाले वक्त में युद्ध भी छिड़ सकता है और कई सारे हमले भी उसकी ओर से किए जा सकते हैं। बाकायदा इसराइल को इस बात का भी डर है कि उसके दूतावासों में जितने भी उसके सदस्य हैं, जितने भी उसके बड़े अधिकारी हैं, उन पर भी ये पूरी जो साजिश है वो ईरान की ओर से रची जा सकती है और आने वाले वक्त में उनको भी मौत के घाट उतार दिया जा सकता है। और ये सब हो भी इस वजह से रहा है क्योंकि ये है वर्चस्व की लड़ाई एक तरीके से इसराइल और ईरान के बीच में। ईरान कभी भी यहूदियों को अच्छा नहीं मानता है और उसकी जो सोच है वो यहूदियों के खिलाफत ही करती हुई आई है, और इसराइल जो देश है वो यहूदियों का देश है, एकमात्र यहूदियों का देश पूरी दुनिया में, मिडल ईस्ट में, जहाँ पर इसराइल ने अपने दम पर पूरा जो कुनबा था, पूरा जो शोहरत है वो हासिल की, एक तरीके से प्रसिद्धि हासिल की, और अब मिडल ईस्ट का एक बहुत मजबूत देश इसराइल इस वक्त बन चुका था। लेकिन हमास उस पर अचानक से हमला करता है, वो चर्चा में आता है, अभी भी वो युद्ध लगातार चल रहा है। लेकिन ईरान को इसी बात का दर्द है कि आखिर इसराइल ने इतनी तरक्की कैसे कर ली, और दूसरा यहूदियों से ईरान के लोग और ईरान की जो सत्ता है वो चिढ़ती भी है। यहूदियों के अलावा तमाम जो पश्चिम के देश हैं उनसे भी एक चिढ़न और ईसाइयों से भी एक चिढ़न ईरान के अंदर है, और इसी वजह से वो कई बार उसकी ओर से हमले के प्रयास किए भी गए हैं इसराइल के ऊपर, इसराइल के लोगों के ऊपर, और एक बार फिर से इसी वजह से अब इसराइल को इसी बात का डर है कि उसके जो तमाम अधिकारी हैं अलग अलग राजनयिक जो उसके अलग अलग देशों में हैं उन पर भी ये हमला हो सकता है। और इसके अलावा उसने ये भी कहा है अपने तमाम राजनयिकों से, तमाम बड़े अधिकारियों से जो देश के बाहर हैं, उनको ये एडवाइजरी जारी की गई है कि वो किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो ये बड़ी बात है क्योंकि इसराइल ने जब ये एडवाइजरी जारी की तो दुनिया में एक तरीके से खलबली इसी बात की मची कि अचानक से ये करने की वजह क्या थी। और दूसरा, हमास के साथ उसका युद्ध पहले ही चल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ईरान हमास के साथ मिलकर एक नई स्ट्रैटेजी तैयार करे और इसराइल को उस खतरे में डाल दे। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के जरिए हमें ज़रूर बताइए। और इसी के साथ अगर आपने तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए।